गत देर सांय डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलेई में मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा ही राज्य के सभी क्षेत्रों का समान व संतुलित विकास पर बल दिया है और किसी भी क्षेत्र से राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने इस मौके पर बाथड़ी में BDO कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक चुनौती के बावजूद प्रदेश में विकास की गति नहीं रुकने दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 5 दशकों से अधिक समय तक सत्तासीन रही कांग्रेस आज विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन उसी पार्टी के नेता आज प्रदेश में फिर से सत्ता में लौटने के सपने देख रहे हैं। उस आदमी की जिंदगी बचाने के लिए प्रयत्न किया कि हम सरकार के माध्यम से उसका इलाज कर सके, उसकी पीड़ा को कम कर सके, और कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आए तो हम बंद कर देंगे। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, 3,32,000 गैस के चूल्हे घर घर में हिमाचल प्रदेश में पहुंचाए, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम बंद कर देंगे तो क्या गैस का चूल्हा भी रसोई से उठा करके वापिस ले जाए। ये सारे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप लोगों को लोगों से उन लोगों से पूछना होगा। हमें उस गरीब आदमी को जो बीमार हो गया, लाचार बेबस है, अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है और बिस्तर पर पड़ा है, बीमारी ऐसी लग गई है जब तक जिंदा है तब तक उसका इलाज करना पड़े, ऐसे लोगों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना की शुरुआत की। 3,000 रुपए 20,000 लोगों के खाते में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की बेरोजगार यात्रा को लोगों को भ्रमित करने वाली बताया और कहा कि बेरोजगारी की समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास है, जिसमें राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है।